हाय एवरीवन, सो यहाँ पर जो ईपीएफओ एपीएफसी इंग्लिश एग्जाम के लिए जो इंग्लिश का पोर्शन है उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा डिमांड आई थी फ्रेजल वर्ब्स टॉपिक की, तो फाइनली फ्रेजल वर्ब्स टॉपिक मैं आपके लिए ले आई हूँ और आज हम रिवाइज कर लेंगे इस पूरे के पूरे टॉपिक को 15 से 20 मिनट में। सो पूरी वीडियो देख लेना, सब कुछ तुम्हें क्लियर हो जाएगा एंड डोंट वरी, बिल्कुल भी तुम्हें वरी नहीं करनी है, टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद बस जाकर जो मैंने पीवाईक्यू सॉल्व करवाए थे उसको चेक कर लेना, उसके बाद ये क्वेश्चंस तुमसे आराम से बनने लग जाएंगे। सो फर्स्ट देखते हैं फ्रेजल वर्ब जो है दैट इज अटेंड ऑन। देखो अटेंड ऑन का मतलब होता है टू सर्व, किसी की सेवा करना, ठीक है, मतलब किसी को अटेंशन देना, किसी की बहुत ज़्यादा मतलब उसको सर्विस देना, उसको सेव करना, सेवा करना उसकी, ठीक है। बैक ऑफ मतलब कि पहले तुम मान गए थे, अग्री कर गए थे, बट उस चीज़ से तुम फिर हट गए, मतलब तुम्हें पता चला कि यार इस चीज़ में मुझे तो कोई डिफ़िकल्टी आ सकती है तो मैं तो ये काम नहीं करूँगा, मैं तो पीछे हट जाऊँगा, मैं अपने वादे से मुकर जाऊँगा। सो दैट इज़ बैक ऑफ। बार्गेन फॉर का मतलब होता है कि तुम किसी चीज़ की उम्मीद करते हुए तैयार रहते हो, मतलब कि तुम एक्सपेक्ट करते हो कि ये चीज़ होगी और तुम उसके लिए तैयार भी हो बिल्कुल कि हाँ ये चीज़ होने वाली है तो मैं इसके लिए तरह से पहले से ही प्रिपेयर हो जाऊंगा। नेक्स्ट है बी डाउन विद। बी डाउन विद का मतलब होता है कि किसी की बहुत ज़्यादा ऐसी कोई बीमारी लग जाना तुम्हें, जैसे कि तुम फीवर से डाउन हो, है ना, टू बी डाउन विद फीवर, जैसे तुम अभी तुम्हें फीवर हो गया, सो यू आर डाउन विद फीवर, कि तुम उससे इफेक्टेड हो, तुम्हें बीमारी हो गई है वो। बी गिवन टू, बी गिवन टू का होता है कि मतलब तुम कुछ करना चाहते हो, मतलब कि किसी काम को तुम करना चाहते हो, दैट इज नोन एज मतलब कि टू बी गिवन टू, है ना। बियर डाउन ऑन, बियर डाउन का होता है कि किसी की तरफ बहुत ज़्यादा तेज आगे बढ़ना, मतलब कि तुम भागते हुए ऑलमोस्ट बहुत क्विकली वहाँ पर जाना, सो दैट इज़ बियर डाउन ऑन। बियर आउट का मतलब होता है कि सच को साबित कर देना, मतलब कि तुम्हारे सामने मतलब सच था और तुम शायद पहले उसको कभी साबित नहीं कर पाए थे, बट अब तुमने फाइनली उस ट्रुथ को कन्फर्म कर दिया है, तुमने एविडेंस प्रूफ दे दिए कि हाँ ये सच है, यू हैव प्रूव्ड इट। बियर अप विथ की मतलब झेलना, जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल तुम्हारे सामने आ गई और तुम उसे बियर कर रहे हो, मतलब फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा फॉर एग्जांपल तुम्हारी नौकरी चली गई एंड देन तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा कमी हो रही है चीज़ों की, तुम्हें पैसों की कमी हो रही है, सो तुम इस सिचुएशन को बहुत ब्रेवली टॉलरेट कर रहे हो, उसके साथ डील कर रहे हो, दैट इज़ नोन एज बियर अप विथ। नेक्स्ट है बिकम ऑफ, मतलब कि कुछ हो जाना, मतलब कि कुछ कुछ बुरा या अच्छा कुछ हो जाना, मतलब किसी के साथ भी, किसी भी पर्सन के साथ। ब्लो डाउन का मतलब होता है कि एकदम से किसी को धक्का देकर ऐसे गिरा देना, सामने से निकलना, ऐसे साइड से निकलना और किसी को गिरा देना, टू नॉक डाउन बाय गस्ट, दिस इज नोन एज ब्लो डाउन। ब्लो ओवर का मतलब होना है कि किसी के साथ मतलब पास से गुजर जाना, पास से निकल जाना और किसी को कोई हार्म नहीं पहुंचाना, मतलब कि तुम जैसे जानती नहीं हो और तुम उसको क्यों ही कुछ कहोगे, दैट इज ब्लो ओवर। बॉयल डाउन टू मतलब कि समराइज कर देना पॉइंट्स को, जैसे कि बहुत जैसे देखो फ्रेजल वर्ब्स की तुम्हें बहुत ज़्यादा डिटेल्ड मिल जाएंगे, बट इस टाइम पे तुम्हें एक कंसाइज वीडियो की ज़रूरत है, जिसमें इस वीडियो को तुम कह सकते हो दिस वीडियो इज बॉयल डाउन, है ना, टू एक समरी एक आपको दी गई है, मेन पॉइंट्स डिस्कस किए गए जो आपके एग्जाम से रेलिवेंट है। सो ऐसी वीडियोस चाहिए आपने और नहीं देखी सो प्लेलिस्ट देख लेना, अभी एक दो दिन बचे हैं तो जितना कर सकते हो कर लो एंड रिविजन करते रहना। नेक्स्ट इज बाउंड फॉर। बाउंड फॉर का मतलब होता है कि किसी मतलब जगह से जाना, गुजरना, ठीक है, दैट इज बाउंड फॉर। ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन मतलब कि चीज़ का टूट जाना, अब वो और काम नहीं करेगी, फॉर एग्जांपल कोई फ्रिज है तुम्हारे पास तो अब पहले बहुत ढंग से चल रहा था बट नाउ इट हैज़ ब्रोकन डाउन, इट हैज़ ब्रेक हो गया, मतलब ब्रेक डाउन हो गया उसका कि अब वो काम करना बंद कर चुका है। नेक्स्ट अगेन दूसरा जो ब्रेक डाउन का है दिस इज ऑफ मशीनरी की किसी काम का, और दूसरा एक ब्रेक डाउन है कि इमोशनली मतलब मेंटली तुम अपना कंट्रोल अपने आपा खो देना, मतलब अपने इमोशंस को इमोशंस को ना ढंग से एक्सप्रेस कर पाना और रोने लग जाना है, उन्हें एक्सप्रेस करने लग जाना, मतलब क्राइंग उस सेंस में, टू लूज कंट्रोल इमोशनली और मेंटली। ब्रेक इन का मतलब होता है कि किसी की बात के बीच में बोलना, कोई दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, तीन व्यक्ति बात करें तो उनकी बात के बीच में इंटरप्ट करें उन्हें, दैट इज ब्रेक इन देयर कॉन्वर्सेशन। ब्रेक इन टू अ बिल्डिंग एक्सेट्रा, अगर मतलब किसी ब्रेक इन टू अ बिल्डिंग या कुछ भी कर रहे हो तो इसका मतलब ये होता है कि तुम किसी के साथ इलीगली किसी की जगह पर, किसी की प्रॉपर्टी पर घुस रहे हो, ज़बरदस्ती घुस रहे हो वहाँ पर, ट्रेसपासिंग कर रहे हो। ब्रेकअप का मतलब होता है टू एंड अ रिलेशनशिप, इसमें कुछ बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। ब्रेकआउट का मतलब होता है टू स्टार्ट, फॉर एग्जाम्पल पिम्पल्स का तुम्हारी स्किन पर ब्रेकआउट हो जाना, उनका आना स्टार्ट हो जाना।
ब्रेक ऑफ मतलब कि सेपरेट हो जाना, टूट जाना, खत्म हो जाना। ब्रिंग डाउन का मतलब होता है कि किसी गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर देना, या तो गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर देना, या फिर ये भी कह सकते हो कि कुछ क्वांटिटी रिड्यूस कर देना, दैट इज नोन एज ब्रिंग डाउन। ब्रिंग फोर्थ का मतलब होता है टू गिव बर्थ टू, मतलब कि किसी चीज का स्टार्ट करना, दैट इज ब्रिंग फोर्थ। ब्रिंग राउंड का मतलब होता है टू इन्फ्लुएंस वंस पॉइंट ऑफ व्यू, किसी को अपने विचार से सहमत कर लेना। ब्रिंग ऑन का मतलब है टू कॉज टू हैपन, घटित होने का कारण होना। नेक्स्ट करते हैं ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट का मतलब है कि बहुत अच्छे से क्लियर करना, मतलब बहुत साफ तरीके से, स्पष्ट तरीके से किसी चीज़ को बताना या किसी चीज़ को पब्लिश करना। कॉल फोर्थ का मतलब है टू प्रोड्यूस अ रिएक्शन, मतलब कि कोई प्रतिक्रिया देना, अपना कोई रिएक्शन देना किसी बात पर। कॉल ऑफ एन इवेंट मतलब कैंसिल कर देना, रद्द कर देना उस इवेंट को। कॉल ओवर का मतलब है टू रिक्वेस्ट समवन टू कम, किसी को बुलावा देना। कॉल अपॉन या ऑन को हम कहते हैं किसी को इन्विटेशन देना, किसी को आमंत्रित करना। गेट या कैरी अवे का मतलब टू गेट एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा खुशी में होना। नेक्स्ट है कैरी ऑफ, इसका मतलब है टू सक्सीड इन अ डिफिकल्ट टास्क, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क था उसमें तुम सक्सेसफुल हुए। कैरी ऑन मतलब कंटिन्यू करते रहना, चलते रखना, जारी रखना काम को। कैरी आउट का मतलब है टू कंपोज और फुलफिल, यानी टू एग्जीक्यूट किसी कार्य या आदेश को पूरा करना। कैरी थ्रू का मतलब है टू बियर वंस नीड, अपनी ज़रूरतों को, किसी की ज़रूरतों को पूरा करना। कैचअप विद की मतलब तुम पहले पीछे चल रहे थे बट अब तुमने उनके साथ बराबरी कर ली है, तुम भी अब आगे आ गए हो, अब तुम पीछे नहीं रहे। चार्ज इन टू टू मूव क्विकली इन टू एक्साइटमेंट, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में किसी जगह पर प्रवेश करना। चिकन आउट का मतलब होता है टू बी अफ्रेड ऑफ, मतलब डर के पीछे हट जाना। क्लियर ऑफ यानी रन अवे, भाग जाना, कहीं से चले जाना। क्लियर अप का मतलब होता है एक्सप्लेन करना किसी चीज़ को। कम अबाउट मतलब कोई चीज़ घटित होना। कम अक्रॉस मतलब कुछ फाइंड करना, कुछ अनएक्सपेक्टेड है बस अचानक तुम्हें मिल जाना। कम इन फॉर की यानी क्रिटिसिज्म मिलना, ब्लेम मिलना, तुम पर दोष लगने। कम ऑफ यानी कि बहुत सक्सेसफुल हो जाना, सक्सेसफुली कोई काम कर लेना। कम राउंड मतलब कि किसी के ओपिनियन को रिस्पेक्ट करना, एक्सेप्ट करना और रिकवर करना, होश में आना, ठीक है। कुक अप टू मतलब कि रिस्पेक्ट करना, आदर करना। कॉर्डन ऑफ मतलब कि किसी चीज़ को, किसी जगह को, स्थान को सील कर देना, जैसे छापा मारी जिसे हम बोलते हैं। काउंट ऑन का मतलब होता है किसी पर तुम डिपेंड हो, किसी पर रिलाई कर सकते हो, किसी पर ट्रस्ट कर सकते हो, विश्वास कर सकते हो, निर्भर रह सकते हो। क्रॉस आउट मतलब रिमूव कर देना लिस्ट से, या किसी नाम या कहीं पर नाम है, डॉक्यूमेंट है, लिस्ट है, वहाँ से हटा देना। क्राई आउट यानी कि चिल्लाना, शाउट करना। कट अक्रॉस का मतलब होता है टू कट अ शॉर्टकट, कहीं पहुँचने के लिए छोटा रास्ता पकड़ना। कट ऑफ मतलब टू सेपरेट फ्रॉम अदर्स, यानी कि इंटरप्ट करना कोई बात कर रहे। डॉन ऑन मतलब कि अंडरस्टैंड करना, समझना कोई बात को। डील इन मतलब कि एक बिजनेस होना किसी चीज़ का। डील आउट मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना सबको। डिसाइड अपॉन मतलब कि कोई जजमेंट बनाना, डिसीजन लेना, निर्णय लेना। डू अवे विद का मतलब है टू रिमूव, समाप्त कर देना किसी चीज़ को। ड्रॉप बाय या ड्रॉप इन का मतलब होता है किसी के घर पर या कहीं प्लेस पर इनफॉर्मली चले जाना। डू वेल ऑन मतलब कि स्पीक अबाउट समथिंग, किसी के बारे में व्याख्या करना, ठीक है। ईट इन टू यानी कि बहुत ज़्यादा खोखला कर देना अंदर से किसी को, ठीक है। टू वीकन मतलब तुम अपनी स्ट्रेंथ को वीकन कर रहे हो या किसी की स्ट्रेंथ को वीकन कर रहे हो। एग ऑन मतलब कि मोटिवेट करना, किसी को प्रेरित करना, एंथुजियास्टिक बनाना। फॉल अपार्ट मतलब कि टुकड़ों में बंट जाना, टूट जाना। फॉल बैक ऑन यानी कि एक लास्ट जो तुम्हारे पास चीज़ बची होगी उस पर रिलाई करना, वही रह जाना। कठिनाई के समय में किसी चीज़ का प्रयोग करना, मतलब जैसे तुम्हारे पास कुछ गहने पड़े हैं, तुम्हारे पास पैसों की बहुत कमी होगी, तो वो तुम्हारी आखिरी चीज़ थी जो तुम बेचकर थोड़ा अपना गुजारा करोगी, दैट इज़ दैट। फॉल आउट विद मतलब कि झगड़ा करना, लड़ना। फॉल अवे मतलब कि ब्रेकअप कर देना या बैकआउट कर देना, मतलब कि रिश्ता तोड़ देना, अपने कदम वापस खींच लेना। फॉल ऑफ यानी कि टू लेसन या फिर टू फॉल फ्रॉम समथिंग, कम होना या किसी चीज़ से नीचे गिर पड़ना। फील अबाउट का मतलब होता है कि जैसे किसी को टच करके फील करना है ना, बाय टचिंग, सो बाय टचिंग यू शुड फील समथिंग। फिगर आउट मतलब कि समझ पाना, कुछ निकाल पाना, निष्कर्ष।
फिजल आउट का मतलब होता है टू वीकन ग्रेजुअली, गेट अबाउट अराउंड का मतलब होता है टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, गेट अलोंग विद कि किसी के साथ दोस्ती हो जाना, गेट अवे विद कि कुछ इलीगल करना एंड पनिश नहीं होना, गेट ऑफ मतलब टू लीव वर्क विद परमिशन, गेट बाय यानी सर्वाइव करना, ठीक है, किसी चीज़ के बिना जिंदा रहना, गेट ऑन विद यानी टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग, कुछ काम को कंटिन्यूड रखना, गेट राउंड अ प्रॉब्लम मतलब कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना या अवॉइड करना, गेट राउंड मतलब समवन इट मींस कि किसी को परसुएड करना टू डू समथिंग व्हाट यू वांट, जो आप चाहते हो वही वो करे, गो अलोंग विद का मतलब होता है अग्री करना, गो बैक ऑन यानी टू ब्रेक अ प्रोमिस, गो डाउन इन हिस्ट्री मतलब कि टू गेट एडमिटेड इन हिस्ट्री, इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा लेना, गो थ्रू का मतलब होता है टू पास थ्रू अ टाइम यानी कि किसी दौर से गुजरना या फिर पढ़ना, इसको गो थ्रू को ये भी कहते हैं कि रीड करना, फटाफट नज़र मार लेना, गो थ्रू दिस वीडियो, है ना। हैमर आउट का मतलब है टू रीच अ कंक्लूजन आफ्टर अ लॉन्ग डिस्कशन, हेड फॉर मतलब कहीं पे किसी की तरफ जाना, हेड इन टू यानी टू कैरी समथिंग, किसी चीज़ को कहीं से ले जाना, होल्ड बैक मतलब अपने जो थॉट्स हैं उनको अपने तक ही रखना, उन्हें एक्सप्रेस ना करना, अपने थॉट्स को छुपा लेना, होल्ड डाउन यानी टू प्रिवेंट बाय फोर्स, ज़बरदस्ती खींच के उसको प्रिवेंट करना, होल्ड आउट अगेंस्ट मतलब रेसिस्ट करना, होल्ड विद यानी अप्रूव करना, सहमत होना, इम्प्रेस आइडिया मतलब किसी को कन्विंस कर लेना, जंप एट कंक्लूजन मतलब कि कोई कंक्लूजन बहुत जल्दी जल्दी में निकालना बिना कोई सोचे समझे जल्दबाजी करना, कीप फ्रॉम यानी कि परहेज करना, वही संगति से दूर रहना, किक अगेंस्ट यानी रिवोल्ट करना, ठीक है, नॉक ऑफ का मतलब होता है टू इमिटेट या डू समथिंग अनविलिंगली मतलब किसी चीज़ की नकल करना या फिर ये भी कह सकते हो बिना मन के कोई काम करना, लैप अप का मतलब होता है टू ड्रिंक या टू टच टेंडरली, लैच ऑन टू मतलब टू बिगेन टू अंडरस्टैंड समथिंग, किसी चीज़ को समझना, ले इन टू का मतलब है टू अटैक या टू कंज्यूम या फिर किसी को गुस्सा करना, आक्रमण करना, खाना या डांटना, ले ऑफ ऑफन पॉजिटिव पैसे जैसे अभी हो रहे हैं, ले ऑफ मैसिव ले ऑफ टू स्टॉप एम्प्लॉइंग अ वर्कर या छाड़ देना उन्हें, लेट डाउन का मतलब किसी को डिसअपॉइंट करना, निराश करना, दुखी कर देना, लाई बिहाइंड टू बी द रियल रीजन मतलब कि कोई चीज़ घटित हुई है उसके पीछे जो वास्तविक रियल रीजन था वो ये था, लाइट ऑन मतलब टू एक्सप्लेन व्याख्या करना, लिव बाय मतलब टू अर्न लाइवलीहुड कोई काम करके गुजारा गुजे बस करना, लिव ऑफ का मतलब कि किसी पर्टिकुलर फूड पर लिव करना, लिव थ्रू का मतलब होता है टू सर्वाइव अ डिफिकल्टी, लिव विद टू एक्सेप्ट समथिंग अनप्लेजेंट, ठीक है, लुक बैक ऑन का मतलब टू रिफ्लेक्ट ऑन, ठीक है, अपने पास्ट को ध्यान देना, लुक डाउन ऑन या अपॉन टू होल्ड इन कंटेम्प्ट, ठीक है, नीचे की निगाह से देखना, लुक इन या ऑन टू सी द वेलफेयर ऑफ, किसी चीज़ की निगरानी रखना, लुक आउट फॉर कि किसी चीज़ को ढूंढना या समझने की कोशिश करना, लुक समथिंग अप मतलब किसी किताब या जानकारी को खोजना, लुक अप मतलब टू इम्प्रूव प्रगति करना, लुक अप टू मतलब रिस्पेक्ट करना, किसी का बहुत आदर करना, पाम ऑफ का मतलब है टू गिव बाय डिसेप्शन धोखे से दे देना, एंड मेक डू विद मतलब मैनेज करना, काम चलाना, मेक ऑफ मतलब अंडरस्टैंड करना चीज़ को, मेक ऑफ विद मतलब कि भाग जाना किसी चीज़ को लेकर, नेक्स्ट है मेक आउट या फिर इसका मतलब है टू मैनेज टू सी और अंडरस्टैंड, किसी वस्तु या व्यक्ति को समझना, मेक द मोस्ट ऑफ मतलब कि मैक्सिमम पूरा पूरा लाभ उठाना, मेक अवे विद कि किसी चीज़ को लेकर भाग निकलना, पास ऑफ का मतलब है बेहोश हो जाना या फिर दूसरों में बांधना, टू प्रिटेंड समथिंग या फिर टू कंक्लूड एन इवेंट, प्ले एट टू डू विदाउट इंटरेस्ट मतलब बिना रुचि के कोई काम करना, कोई इंटरेस्ट नहीं फिर भी तुम वो काम कर रही हो, नेक्स्ट है प्ले डाउन, प्ले डाउन का मतलब है टू मेक समथिंग अपीयर लेस इंपॉर्टेंट, किसी बात को कम इंपॉर्टेंस देना, उसका मूल्यांकन कम आंकना, पुल टुगेदर मतलब कि आपस में साथ में अच्छे से काम करना, टू ऑर्गेनाइज टू वर्क वेल टुगेदर, पुट अक्रॉस मतलब टू एक्सप्रेस वंस आइडिया सक्सेसफुली, अपने विचार प्रभावशाली तरीके से व्यक्त करना, पुट असाइड मतलब टू सेव टू इग्नोर भविष्य के लिए बचा कर रखना, गुड बाय का मतलब है टू रिजर्व अ पार्ट एक हिस्सा बाद के इस्तेमाल के लिए बचा कर रखना। सो ये थे हमारे पूरे के पूरे फ्रेजल वर्ब्स, एंड आई होप कि तुम्हें ये वीडियो काम आएगी, 15 मिनट के विदिन हमने इतने सारे फ्रेजल वर्ब्स पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर लिया, अब बस क्वेश्चंस एक बार देखा हो तुमने ऑलरेडी नहीं देखे और रिवाइज करने के लिए था तो तुम्हारी ढंग से रिविजन हो गई होगी, और कोई वीडियोज अभी लास्ट मोमेंट पे चाहिए तो जल्दी से कॉमेंट कर दो, एंड आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।